पूछू या ना पूछो पूछू? पूछो पूछो। जैसे किसी को प्लान दिखाया जाता है तो उनको दो से 2 से 5% पैसा आएगा, फ्री सामान भी बताया जाता है, लेकिन फ्री सामान छोड़कर लोग पैसे पे पहले ध्यान देते हैं। तो ले करके नमक दिखाया जाता है और साबुन दिखाया जाता है। देखिए क्या घर में नमक और साबुन ही यूज होगा? वो भी 10 और। जब आईडी से पहले सामान दिया जाता तब नहीं महंगा लगता, आईडी लगाने के बाद लोगों को महंगा लगता है। अगर जैसे किसी का बिजनेस 3.5 जा रहा है और उसके बी में 10,000 है, 5,000 है, तो उनको क्या आएगा? सबसे पहले ये है कि अगर किसी का 3.5 लाख बिजनेस जा रहा है तो मतलब वो 22% को पार है, पहला। दूसरा नंबर, अगर उसके बी में 5,000 बिजनेस हुआ तो उसको बिगिनर का पिन शो करेगा, ठीक है। अब पावर में चाहे 3.5 लाख हो या 4.5 लाख हो या फिर 10 लाख हो, उधर से एक तरफ से मजबूत है और उसका 22% से ऊपर है वो, ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति 5 करता है तो बिगिनर लेवल पे आएगा। बिगिनर लेवल का मतलब समझो, जो बी में बिजनेस होता है और जो हमारे आईडी पर होता है ये कहीं माना जाता है, यानी हमारी छोटी लाइन में जितना बिजनेस होता है वो बिजनेस समझो हमारे आईडी पर सेल्फ पे ही माना जाता है, क्लियर। तो अगर कोई 5,000 पीवी करता है तो बिगिनर वाला पैसा आता है। मान लो कोई 5,000 किया और वो 5,000 पे है कोई भी आदमी बी में, तो वो 2% ले गया अपने परफॉर्मेंस, बाकी जो बिजनेस बच गया वो इनके सेल्फ आईडी पे माना जाता है। जो आदमी बी खोला है तो उनके हिसाब से, उनके परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा वहां पे आ जाता है। अच्छा, मतलब बिगिनर का लेवल है तो चाहे 3.5 होगा तो बिगिनर का ही पैसा है। हाँ, बिगिनर का आएगा, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो एक आईडी ऐसा था उसपे 3.5 लाख बिजनेस था लेकिन बी में एक भी बिजनेस नहीं था, तो उसको आया 10,777। देखो बात यही है, हमने आपको बोला 3.5 लाख बिजनेस है तो वो सलेब पर है। जो बिना सलेब का अगर है तो उसको नहीं आता, बिना सलेब। जैसे मैंने कहा बिगिनर का पिन आएगा, ठीक है, बिगिनर का पिन आएगा, लेकिन ये 4,000 पीवी इनके आईडी पर हो गया। अब 4,000 पीवी का अगर आप 22% के हिसाब से निकालो तो कितना हुआ? बिगिनर वाला पैसा। स्टार्टर कोई 10,000 किया है और वो सलेब पर नहीं है, सलेब पर नहीं है, तो स्टार्टर वाला पैसा उसको आएगा लगभग इस तरह। अगर वो 20,000 बी में कर लिया तो उसको ओपनर का पिन शो करेगा और टर्नओवर में शामिल हो जाएगा, तो उसको बिगिनर का जो है, जिसको जाना था बिगिनर का, वो जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो इस आदमी को आता है और वो टर्नओवर में शामिल हो जाता है, पिन भी ओपनर का आता है। इसी तरह से चलते 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 जब ये आदमी एक तरफ 1,15,000 कर लेता है, रॉयल्टी हो जाता है उसके मेन लाइन में। चाहे 50 लाख बिजनेस जा रहा हो कोई मतलब नहीं, 20 हो, जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे आएगा। अब जो आपने कहा कि 10,000 बिजनेस था उसका 3.5 लाख का लेवल था, 10,000 से ज्यादा रुपया आया क्योंकि उसके आईडी बी में कोई बिजनेस नहीं था, आईडी पे था। हाँ। तो आईडी और बी हमने एक ही बोला ना, बी हो या आईडी हो एक होता है, क्लियर। तो पिन शो करेगा? नहीं करेगा, स्टार्टर का पिन शो करेगा, स्टार्टर का पिन शो करेगा, और पैसा जो आएगा वो सलेब के हिसाब से आएगा। सलेब के हिसाब से मतलब अगर वो 3.5 पर है तो 3.5 लाख पे स्टार वाला इनकम तो नहीं आएगा, लेकिन उसका आधा आता है लगभग, आधा, क्योंकि सेल्फ आईडी पे 10,000 पूरा सेल्फ ही परचेज। अब 10,000 का 4.5% ऐसे निकाल लो आप, 4.5% 4.5% नहीं, 22%, 10,000 का 22% निकाल लो, क्योंकि वो 3.5 लाख पे है ना, तो 10,000 का 22% इतना 2,200 रुपया तो ऐसे हो गया, है ना। तो उसके बाद में बाकी जो 2,200 रुपए ये हो गया, बाकी जो उनका स्लिप था 3.5 लाख का, क्योंकि बीच में 1 लाख बिजनेस इकट्ठा हो गया ना, 2,60,000 पर कोई था तो 2,60 वाला ले गया। उसके बाद 2,60 के बाद कितना बचा? 90,000, 10 इसका अपना 1 लाख बिजनेस हुआ, उस 1 लाख बिजनेस वैल्यू का फिर निकाल दो 22% के हिसाब से। इस तरह से गुणा गणित लगा करके पैसा ज्यादा आता है। जब आप स्लिप पे रहोगे तो ज्यादा आएगा, स्लिप पर नहीं है तो पैसा ज्यादा नहीं आता, कम आता, परफॉर्मेंस बोनस आता है। लेकिन अगर आपका बी चल रहा है तो पैसा ज्यादा आता है, बी के ऊपर होता है। अगर बी चल रहा है तो पैसा ज्यादा आपको आता है, बी नहीं चल रहा है तो फिर परफॉर्मेंस बोनस जो आपका हुआ उतना आता है। बी में पावर में किसी का बिजनेस ज्यादा जा रहा है लेकिन बी में नहीं जा रहा तो उसको कम पैसा आता है। अगर बी चल ही नहीं रहा, सिर्फ वो अपने आईडी कुछ खरीद के खा रहा, तो उसका परफॉर्मेंस बोनस आता है, जिसलिए तो परफॉर्मेंस बोनस आता है। अगर वो स्लेब पर चला गया तो पैसा ज्यादा आता है, उसने 5 भी किया है तो पैसा ज्यादा आएगा, पर वो स्लिप पर होना चाहिए। जैसे 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70, 2,60, 3.5, ये स्लिप है, ये स्लिप पर कोई गया तो पैसा आएगा, स्लिप पर नहीं है नहीं आएगा।
परफॉर्मेंस बोनस अगर वो 10,000 करता है 22,000, वो 3.5 लाख से ऊपर बिजनेस है और वो अपने कोई उसके नीचे 3.5 है, कोई भी उसके नीचे है वो उससे ऊपर है और उसने अपने आईडी पे 10,000 पीबी किया, तो उसका 22% से निकाल दो, जो पैसा आता वही उसका है, बस ये है सिस्टम। स्लेब पर होने से पैसा ज्यादा आता है क्योंकि नीचे बीच में कोई है नहीं ना लेबर स्लेब पे, इसलिए ज्यादा। क्लियर हो गया? इस तरह अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहे, 5,000 करे तो बिगनर, 10 करे स्टार्टर बन जाएगा, 20 करे ओपनर, टर्नओवर में शामिल हो जाता है, 1,15,000 करता है तो रॉयल्टी अचीवर हो जाता है। अगर दूसरे तरफ पावर बिजनेस ज्यादा है और बीमे किया इस तरह, रॉयल्टी अचीवर 1,15 पे, 2,60 करता है स्टार गोल्ड हो जाता है, पल्टीनम हो जाता है, 1,70 करता है स्टार गोल्ड, 2,60 पे पल्टीनम, 3.5 इधर 3.5 उधर स्टार पल्टीनम, इनकम लगभग 40 से 50,000 से ऊपर हो जाती है उसे, इसीलिए 2 लाख का बिजनेस है इस तरह से। फिर लोग क्यों नहीं कर पाते? जिसको तुरंत पैसा चाहिए वो इसको नहीं कर सकता। हाँ, एक प्लान है, ऐसा है, पूछूं या ना पूछूं? पूछो। जैसे किसी को प्लान दिखाया जाता है तो उनको 2 से 22% जब बताया जाता है कि आपको 2 से 22% पैसा आएगा, फ्री सामान भी बताया जाता है, लेकिन फ्री सामान छोड़कर लोग पैसे पे पहले ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों? पैसा पे इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि उनको पैसा बता दिया जाता है 2 से 22% आएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि 2 से 22% आपके फ्री वाले प्रोडक्ट के साथ आना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह बताया जाए तो 2-4 महीना इंतजार करेगा। आप तुरंत बता देते हैं कि आपको तुरंत पैसा आएगा तो इंतजार नहीं करता, लोग पहले पैसे खोजता है, जो कि ये सही नहीं है, गलत है। पैसा आता है जब आपके नीचे 5,000 बिजनेस हो जाता है टोटल सबका मिला, 2-4-5 आईडी और लग गई, आपके नीचे 5,000 पीबी हो गया तो आपको पैसा आना शुरू हो जाता है आपके खरीदारी के हिसाब से 2%। जैसे आपका 1,000 पीबी है तो 2% आया, मतलब कि आपका 20 रुपया आपको आ गया। गलत तरीके से प्लान दिखाया जाता है। अब प्लान को सही तरीके से बताना हो, प्लान सही है, दिखाया गलत जाता है अलग बात है, बताना सही है। किसी को ये बता दिया जाए कि 6 महीना बाद 7वें महीना में आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा 50 से 60% और साथ में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, तो इंसान थोड़ा सब्र करेगा, लेकिन बताया नहीं जाता है। और प्रोडक्ट को ले करके नमक दिखाया जाता है और साबुन दिखाया जाता है। देखिए, क्या घर में नमक और साबुन ही यूज होगा? वो भी 10 और 20 रुपए का। और बाद में लोग यही सवाल उठाते हैं, हमें 10 वाला 9 में दिखाया गया और 20 वाला 17 में दिखाया गया, लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, उसके लिए क्या करें? देखिए, 10 वाला 9 में दिखाया गया, नमक सस्ता दिखाया गया, तो वो सही था या गलत था? वो तो सही है, लेकिन सही है? और जो प्रोडक्ट लेने आते हैं उस पे लोग सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, जब जो आदमी सवाल उठाता है उसका उसी समय इलाज हो जाता है, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतने मीठा होता है। बाजार में भी अगर वो आदमी सामान लेने जाता होगा तो उसको भी 2-3 तरह के रेट मिलते हैं। जैसे चावल लेने चले जाओ, चावल के कई वैरायटी है, 20 वैरायटी है और रेट भी 20 तरह के हैं। 30 रुपया से लेकर के 150 रुपया किलो तक का चावल है, जैसा आप पैसा लगाओगे वैसा चावल भी मिलेगा। अभी बोलोगे ये चावल तो 40 रुपया किलो है, ये 80 रुपया किलो है, तो दोनों चावल ही है, लेकिन चावल में फर्क है। अब वो बोलेगा चावल पेट में ही तो जाता है, ये भी खाएंगे, तो भैया यही ले लो, महंगा क्यों लेते हो, सस्ता ही ले लो। आपको जो पसंद हो, जबरदस्ती कराया जाता है क्या? नहीं, तो सवाल पे तो भी सवाल है ना, बाजार में ऐसा है कि नहीं? आटा भी कई क्वालिटी का आता है, आटा का रेट भी कई क्वालिटी का होता है, कपड़े भी जो हम पहनते हैं वो भी कई क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग रेट के होते हैं। तो हमें जो पसंद है वो हमें लेना, हमें जो जरूरत है वो हमें लेना। सामने अगर कोई सामान महंगा है और हमारा बजट नहीं करता, मत लो। जब आपको पैसा हो जाए तो ले लो, और महंगा नजर तब आता है जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, और पैसों की ही कमी दूर करने के लिए प्लान दिखाया जाता है। यहाँ से खाकर बताकर कि आप पैसा कमा सकते, तो जब आदमी का पैसा इधर से अगर आने लगे, मान लो जो काम करते थे वहां से आप कमा रहे हो, इधर से भी अगर आपका पैसा धीरे धीरे 1,500, 2,000, 4,000 धीरे धीरे आने लगे खाने और बताने से, मीटिंग में जाने से, तो जो महंगी सामान लग रही वो सस्ती नजर आएगी आप, और साल में 2 बार फ्री भी मिल जाता है 50-60% में, ये बाजार में है ही नहीं, तो कुछ तो फायदा यहाँ है, फायदा बाजार में नहीं है, तो जो फायदा वो उठाइए, कौन सा जबरदस्ती? अगर आपको आटा नहीं महंगा लगता, मन नहीं, मतलब मेहनत तब नहीं लगता, जब आईडी से पहले सामान दिया जाता तब नहीं महंगा लगता, आईडी लगाने के बाद लोगों को महंगा लगता है। वो मन भरम है, मन में भरम है, ये जो कहते हैं ना कि ये आपके मेमोरी में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। महंगा कुछ नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से सब बढ़िया है। हाँ, आईडी नहीं लगता, उसके बाद सामान लोग खाते भी है, पसंद भी करते हैं, अच्छा भी लगता है और लोगों को भरोसा भी अच्छा है,
लेकिन जैसे आईडी लगता है तो उनको पैसा दिखने लगता है, मेरा पैसा क्यों नहीं आया। उनको आईडी लगाओ ही मत, सामान महंगा हो जाता है, ऐसे लोग आईडी मत लगाओ, खाने दो उनको जब तक वो ना बोल दे आईडी। जब वो बोले आईडी लगा दो तब उनको आप प्रोसेस बता दो इस तरीके से काम करता है, ताकि वो तुरंत पैसा ना ढूंढे। उनको प्रोसेस बता दो कितना समय लगेगा, बच्चे को आने में 9 महीने लगता तो लगेगा, आम को बड़ा होने में 4 साल लगता तो लगेगा, एक छोटे से बच्चे को 10वीं पढ़ने में 10 साल लगता तो 10 साल हो सकता है 8 साल में भी हो जाए, 8 साल में भी हो सकता तेज होते तो दो क्लास आगे। हाँ, लेकिन फिर भी वहां तक उनको बताओ कितना टाइम लगेगा, ताकि वो निश्चिंत रहे और फिर वो डिमोटिवेट ना हो। तो सच्चाई बता देनी चाहिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कहाँ लोगों की कमी। ठीक है, और जो व्यक्ति लगातार सीखता है, माहौल में बना रहता है, वो इस तरह का सवाल नहीं करता। सवाल वही करते हैं जो सीखते नहीं, जो उसकी जानकारी नहीं लेते कि यहाँ पे मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, वही लोग सवाल ज्यादा करते, वही पैसा भी ज्यादा ढूंढते हैं, जिनको नॉलेज की कमी होती है। तो ऐसे लोग को सब बता दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया। और कोई सवाल? यही सवाल ज्यादा था। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि सभी को ये सवाल आता होगा और आता ही है। बिल्कुल, और मैंने जो बताया वो आंसर सही है लोगों के लिए। सही है, सही है। इस तरह से आप बात कीजिए, हम लोग बता ही देते हैं कि पैसा पहले बता देते हैं, इसलिए लोग पैसा पहले ढूंढते हैं। उनको एक टाइम बता दीजिए कि इस टाइम से आएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जरूर जो सवाल इस तरह का करते हैं, जिनके पास इस तरह का सवाल आता है। क्लियर, और उनको ये बताया जाए कि कितना बिजनेस होगा तो आपको पैसा हो आएगा। अगर आपका बिजनेस है ही नहीं तो आप वहाँ पे पहुँचे नहीं लेवल पे, तो पैसा नहीं आएगा। और प्रोसेस है 5000 से ज्यादा, अगर आपका बिजनेस शुरू हो जाता है तो आपका 2% से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, उसके पहले पैसे की उम्मीद ना करें। और बाजार से हम लोग खाते हैं तो कभी पैसा नहीं मांगते, तब नहीं उम्मीद करते, जबकि हमारा शरीर भी नुकसान होता है, पैसा भी नुकसान होता है। डॉक्टर को देख करके आते हैं, ना कभी फ्री आया, कुछ भी नहीं आया, कभी हम सवाल करने नहीं गए। और यहाँ पे जितने सारे फायदे उतने सवाल हैं, तो अपने सवाल को खत्म करें और अपने काम को जो कर रहे हैं उसको मन लगा के करें। और सवाल जवाब तब करना जब आपके साथ वो सवाल जवाब आएगा। तो अपने बारे में एक बार सोचना, क्या हम सवाल नहीं किए थे? जब आपका सवाल है तो अगला का अगर सवाल है तो उसको क्लियर करें। थैंक यू। थैंक यू।